अपने खालदा आंटी की बहू को देखा था कल? अल्लाह माफ करे, कितना ज्यादा कोई मेकअप करके आई हुई थी वो। फेस पाउडर तो मुंह पे थुपा हुआ था उसके। तौबा है, मुझे समझ नहीं आ रहा इतने बड़े शहर से ये बहू लेकर आए। मैं तो खुद हैरान रह गई थी देखकर। अल्लाह माफ करे, ऊपर से छोटा सा कद, फहीम के साथ खड़ी बिल्कुल बुरी लग रही थी, जरा भी अच्छी नहीं लग रही थी। मुझे तो फहीम पर तरस आ रहा था कसम से। हाँ पता है, मैंने फहीम भाई को बोल भी दिया था। मैंने कहा आप ये दुल्हन लेके आए, आपके साथ तो बिल्कुल नहीं अच्छी लग रही। बिल्कुल ठीक किया जो तुमने बोल दिया। तुमने साबित कर दिया कि तुम आफरीन बेगम की बेटी हो। जो मुंह में आए बेधड़क मुंह पे बोल दो, अगले को चाहे अच्छा लगे और चाहे बुरा लगे। वैसे तुम्हें एक बात बताऊं, तुम्हारे बाप के खानदान में खूबसूरत लोग हैं कहाँ? काले रंग, मोटी नाकें या पीनी नाकें, एक मैं ही थी खूबसूरत जो तुम्हारे अब्बा के खानदान में ब्याह कर आई थी। सब देखते के देखते रह गए थे मुझे। गोरी चिट्टी लंबी नाक, पिंक रंग, ये तो अब थोड़ा कम हो गया रंग, पहले से भी ज्यादा पिंक था। सब मुझसे जलते थे कसम से, और अभी तक जलते हैं। शुक्र अम्मी कि आप मेरी माँ हैं और मेरी शक्ल आप पे चली गई है, वरना अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे, अगर दादी पे चली जाती ये जो बाकी जो हमारे कजन है अजीब अजीब से, तो क्या होता? अल्लाह माफ करे। अस्तग़फ़िरुल्लाह, शुक्र है तुम मुझ पर गई।